गाइस, एम आई ऑडिबल? Go through the last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Anyone having any doubts? और अगर डाउट्स नहीं होगा तो हम लोग आज नया पार्ट करेंगे एंड दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले भी मैंने बताया हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ऐसा नहीं कि सारे पार्ट्स उसमें डिफिकल्ट होंगे। आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा और फिर जब पूरा आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल खत्म हो जाएगा तब आप रियलाइज करना या सोचना कि क्या पार्ट स्किप कर दें और किस पार्ट पे ज्यादा ध्यान दें। और उससे पहले आप हर एक चीज लिखना, ठीक है? थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा लगेगा कि कम समझ में आ रहा है लेकिन जब सीक्वेंस बन जाएगा पूरा तो तुम रिलेट कर पाओगे चीजों को। तो सब लोग हेडिंग डालिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जो भी वर्ड्स या सेंटेंसेस समझ में नहीं आए वो इमीडिएट पूछना, क्योंकि आप दो तीन लेक्चर के बाद पूछोगे इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन। अभी क्योंकि सब स्टार्टिंग फेज में होगा तो उस टाइम पर बताना थोड़ा सा आसान होगा उन वर्ड्स को। बाद में फिर क्या है, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी तो इनकी इंपॉर्टेंस भी वैसे भी कम हो जाएगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टू अंडरस्टैंड दिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वी हैव टू नो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो ये सब आपको नया नया सब नजर आएगा, कुछ भी पुराने जैसा रिलेटेड नहीं, आप रिलेट नहीं कर पाओगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मैंने क्या बोला, टू अंडरस्टैंड दिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वी नीड टू नो व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर इसके बाद हमको इसमें और क्या पता होना चाहिए, इसमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये सब देखो नए नए वर्ड्स है, तुमने कभी नहीं पहले सुने होंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। फिर इसके अलावा क्या पता होना चाहिए, एक वर्ड आता है काइरल। इसको हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। बट सबसे पहले एक छोटा सा नोट आप लिखो, चाहिए तो इसको कॉपी कर लो और इसके बाद एक नोट लिखिएगा। आर यू रेडी? पहले कॉपी कर लो और मुझे बताओ। डन सर, लिखिएगा कंपाउंड जैमिंग। कंपाउंड जैमिंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज compounds having similar physical and chemical properties but differ only in the behavior but differ only in the behavior towards
पोलराइज्ड लाइट। सर आपने बिहेवियर के बाद क्या बोला वो नहीं सुनाई दिया। मैंने बोला कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर ओनली इन द बिहेवियर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। गाइस ये जो भी आपने लिखा है ना नोट, इसको एक बार आप पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में डाल दो, जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे या कर रहे हैं उनको वो हेल्प हो जाएगी। गाइस सो सबने लिखा है कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर ओनली इन द बिहेवियर टुवर्ड्स पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो भी आप लिखना चाहें प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसीलिए देखो यहाँ पर ये वर्ड है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ब्रैकेट में तुम इसके आसपास या नीचे कहीं लिख देना इधर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या लिखोगे? Either in magnitude or direction. सबने लिख लिया? सर वो नोट में ना, either in magnitude or direction. कहीं नोट नोट में कहीं लिख लो, कोई वो नहीं। जहां पर आपने ये लिखा होगा ना differ in the behavior, तो what behavior? तो कह रहा है मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन, दो बिहेवियर हो सकते हैं डिफरेंस के। तो जो आपने डिफर इन बिहेवियर लिखा है ना उसके लिए मैंने बताया इधर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डिड यू गेट माय पॉइंट? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। अब आप ध्यान से देखो सारे बच्चे, वर्ड यहाँ पर ऑप्टिकल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये आइसोमेरिज्म अब तक जो भी पढ़ा उनसे बिल्कुल अलग है, कोई रिलेशन नहीं है पुरानी आइसोमेरिज्म से, लेकिन ये वर्ड जो ऑप्टिकल है यानी समथिंग इज रिलेटेड विद लाइट, ठीक है। तो इसमें जो आइसोमर्स आप पढ़ने जा रहे हो वो उनका बिहेवियर किसके रिगार्डिंग बदल जाता है? लाइट। लेकिन वो नॉर्मल लाइट नहीं है, उसको हम क्या नाम देते हैं? पोलराइज्ड लाइट। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड What is this plane polarized light? तो सबसे पहले अब यही पढ़ेंगे हम लोग, ये plane polarized light क्या है? तो plane polarized light तो बाद में, पहले ये पता हो ordinary light किसको कहते हैं? Ordinary light किसको कहते हैं? सनलाइट। वेरी गुड। ऑर्डिनरी लाइट में यहां लिख रहा हूं, देखिए ये जो ऑर्डिनरी लाइट है इसको मैं आपको बता दूं कि इस अच्छा लाइट जो होती है उसका अपना एक प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन होता है। क्या होता है? प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ऑर्डिनरी लाइट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, वेव्स होती है, उनकी जो ऑसिलेशंस होते हैं वो उस
प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, सबको मालूम है वैसे तो, मैं फिर भी यहां लिख देता हूं। ऑर्डिनरी लाइट के लिए हमको क्या लिखना है, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन जिनको हम बोल सकते हैं या वेव्स बोल सकते हैं, विच ऑसिलेट इन ऑल प्लेन्स, ऑल छोड़ो मैं लिख देता हूं इन्फिनिट प्लेन्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन। किसी को इसमें कोई डाउट, मेरे ख्याल से सबको आता है, वो केवल ये होता है वर्ड्स कौन से आप बता रहे हो, थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी सबको मालूम ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं और इन्फिनिट प्लेन्स होते हैं जिनमें आप वाइब्रेशंस, ऑसिलेशन, जो भी आप वर्ड्स यूज करना चाहो। इज इट क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम है ऑर्डिनेट लाइट जो मैंने लिखा है, इट्स क्लियर? यस सर। अब बोलते रहना बेटा, अगर चार पांच बच्चे भी ठीक से मेरे से बात करते रहेंगे तो इट विल बी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन थिंग्स, और मैं मेरे अंदर भी यू नो एनकरेजमेंट होगा कि मैं कुछ बताऊं आपको। व्हेन दिस ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू, एक होता है जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, मैं आपको ए टू जेड देखो सब बता रहा हूं, जो भी चीजें हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नो रैंक से लगा करके फर्स्ट रैंक तक की सारी चीजें मैं आपको दूंगा। नाउ इट्स अप टू यू, आप कितना ग्रास्प करते हो, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप उसको मैक्सिमाइज करना, जितना आपको मिल रहा है आप कोशिश करना ज्यादातर चीजें आपको समझ में आए, बट अगर कुछ चीजें नहीं भी समझ में आती तो हम थोड़ा उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, मैं आपको लेकिन पूरी चीजें दूंगा। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको ऑर्डिनरी बुक्स में ना भी मिले जो इंडियन ऑथर्स की बुक्स हैं, बहुत सारी दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनमें इनडेप्थ एनालिसिस बहुत किया हुआ है चीजों का, जो जेई एडवांस की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आई विल गिव यू ए टू जेड एवरीथिंग, नाउ इट्स अप टू यू आप कितना ग्रास्प करते हो, तो ध्यान से लेकिन नोट्स आप बनाते चले, है ना, क्योंकि बाद में फिर डिस्कशन करेंगे तो क्वेश्चन पता होने चाहिए ना, पूछने क्या है अपने को सामने वाले टीचर से। तो निकोल प्रिज्म से व्हेन यू पास दिस ऑर्डिनरी लाइट, दिस निकोल प्रिज्म इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कैल्साइट, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कैल्साइट पता चलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट है। व्हेन यू पास दिस ऑर्डिनरी लाइट थ्रू दिस निकोल प्रिज्म, इट हैज बीन फाउंड, ये निकोल प्रिज्म का अपना कैरेक्टर है, तुम्हें इसे कोई मतलब नहीं कैसे करता है, लेकिन जो लाइट में आपको इन्फिनिट प्लेन्स दिख रहे हैं ना, ये जो मैंने लाइंस बनाई है ना, ये एक्चुअली प्लेन्स है, टू डायमेंशनल स्क्रीन है, उस पे तो मैं लाइन ही दिखा सकता हूँ ना, प्लेन इस तरह से नहीं दिखा सकता इन्फिनिट। तो इट हैज बीन फाउंड कि निकोल प्रिज्म क्या करता है, सारे ऑसिलेशंस को एक प्लेन में ले आता है, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। देखो पोलराइजेशन एक वर्ड, इंग्लिश वर्ड है, सिंपल है, मतलब समझ लो कि लोग इधर उधर भाग रहे थे, मोदी जी स्पीच देने के लिए आए और सारे लोग मोदी जी की तरफ देखने लगे, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, सिंपल वर्ड है, मीनिंग है उसका पोलराइजेशन। जैसे डाइपोल होता है तो डाइपोल का क्या मीनिंग है कि सारा पॉजिटिव एक तरफ सारा नेगेटिव एक तरफ, दिस इज पोलराइजेशन। तो यहाँ पर भी पोलराइजेशन का क्या मतलब है कि जितने भी ऑसिलेशंस हो रहे थे वो सब एक प्लेन में आ गए, दिस वी कॉल एज पोलराइजेशन। तो ये लाइट जो आपको नई मिल रही है इसको हम क्या नाम देते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट डू वी से, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, भूलना नहीं है इसको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑल ऑसिलेशंस नाउ अकर ओनली इन वन प्लेन, मैं लिख भी देता हूं, ऑल oscillations occur, vibrations, oscillations, जो भी आप लिखना चाहो इसमें, occur only in one plane, only in one plane. So this we call as
प्लेन पोलराइज्ड लाइट। किसी को कोई डिफिकल्टी इधर? निर्वेद इज आस्किंग सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जे एडवांस में ही आता है? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेन लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल बहुत डाउन रहता है, तो वो अगर आपने मतलब ठीक ठाक पढ़ लिया है तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। एडवांस लेवल पे क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट उसका टफ हो जाता है, तो वो इन डेप्थ एनालिसिस अगर नहीं किए तुमने तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने कहा ए टू जेड सब मिलेगा, लेकिन आपको आप कितना ग्रास्प कर पाते हो ये आपके ऊपर है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट सबको समझ में आया बेटा क्या मीनिंग है? तुम्हें इतना ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट नाम से ही पता चला पोलराइज हो गए, यानी सारे प्लेन्स एक प्लेन में आ गए। आप ऐसा सोच लो सारे ऑसिलेशंस एक प्लेन में आ गए। इज इट क्लियर? यस सर। अब मैं चाहता तो यहीं से बताना शुरू करता, आपको ऑर्डिनरी लाइट या निकोल प्रिज्म स्किप भी कर सकता था, सीधे सीधे बोलता प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, एक ऐसी लाइट जिसमें सारे ऑसिलेशंस एक प्लेन में होते, तो तुम यस बोल देते, लेकिन मैंने आपको यहाँ से पूरा बताया। अब कहानी असली शुरू होती है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग पास करेंगे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू। बहुत सिंपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू तुमने पास किया, तो जो तुमने नोट अभी लिखा ना आप, वो यहां पर काम आएगा। मान लो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो आइसोमर है, एक आइसोमर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देता है और दूसरा आइसोमर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, यानी कि उनका बिहेवियर डिफरेंट हो गया ना किसके रिगार्ड, किसके टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दो आपने मतलब आइसोमर्स लिखे उनको क्या नाम देंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। तो ये मैं लिख भी देता हूं क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये कंपाउंड का अपना प्रॉपर्टी है, हमें इससे मतलब नहीं कि उसने क्या कर दिया कैसे घुमा दिया, ये है ही नहीं। आइसोमेरिज्म का केवल मतलब है यहाँ पर कि घुमा सकता है क्या, यस बोलते ही काम हो गया तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज इधर लिख देंगे। और अगर कंपाउंड घुमा पाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और अगर नहीं घुमा पाएगा तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। देखो हमने क्या क्या लर्न कर लिया, हमने यहाँ क्या लिखा था, हमें प्लेन पोलराइज लाइट पता होनी चाहिए, पता चल गई, हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पता होना चाहिए, पता चल गया। तो दो चीजें देखो काम हो गया अपना। तो सबसे पहले तुम इतना कॉपी कर लो है ना, और प्लेन पोलराइज लाइट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना, उसके बाद वाली कहानी में थोड़ा बहुत लिखा भी दूंगा, आप पहले इतना कॉपी करो। बट उनमें ये वर्ड नहीं लिखेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है? ओके सर। तो धीरे धीरे तुम्हें वर्डिंग्स भी समझ में आएगी कि कौन से वर्ड्स लगाने पे कैसा क्वेश्चन बन जाता है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, डोंट वरी। तुमने कॉपी कर लिया, शुड आई रिमूव दिस? यस सर। ओके कॉपी करो।
गाइस इसमें अभी आप ये लिखिएगा एक नोट करके, या पहले ये वाले लिखिए कि व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट, व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट इज पास्ड थ्रू, व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट इज पास्ड थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंपाउंड इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग। याद रखना कंपाउंड नहीं घूम रहा है, वो घुमा रहा है किसको, पीपीएल को। व्हेन कंपाउंड एंड कंपाउंड इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग, कंपाउंड इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कंपाउंड इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट ईदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ईदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Either in clockwise direction or anti-clockwise direction. Then the compound, then the organic compound is called optically active compound. Optically active compound. Is it clear? Is it any difficulty there? No, sir. अब आगे यहीं पर कंटिन्यूएशन में लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी The various organic compounds are divided into, the various organic compounds are divided into following types. सर वो ऑप्टिकल एक्टिव के बाद कौन सा वर्ड था? ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। एक्टिव के बाद क्या था सर? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके हां, तो इसकी हेल्प करो बेटा। कोई स्टेटमेंट्स बोल दो इसके लिए बेटा। सर मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया बेटा, देख लो ग्रुप पे किसी ने डाल दिया। वेरी गुड बेटा, चलिए। सो पहला जो हम इसमें पढ़ते हैं उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। ये एक लैटिन वर्ड है, डेक्स्टर, इसका मतलब होता है राइट, तो उसी से एक्चुअली ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर बना है। तो इसके लिए नोट लिखिएगा, दी ऑप्टिकल आइसोमर, द ऑप्टिकल आइसोमर विच रोटेट्स द
प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट plane polarized light to the right. The optical isomer which rotates the plane of polarized light to the right. Right bracket में लिख देना clockwise. Is known as dextrorotatory isomer. Is known as dextrorotatory isomer. Dextrorotatory isomer. इसको हम लोग represent करते हैं जैसे dextrorotatory isomer लिखना है तो small d लिखा जाता है. क्या लिखते हैं? Small d. याद रखना कैपिटल डी नहीं लिखते हैं. डी फॉर्म का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर. इसको हम लोग पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो यानी ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा. तो आप ये दोनों भी आप कॉपी कर लेना. स्मॉल डी करके लिखते हैं या फिर प्लस करके लिखते हैं. पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन को. इज इट क्लियर? यस सर. अब इसमें नंबर टू लिखिएगा. लेवो रोटेटरी बोलते हैं. लेवो रोटेटरी आइसोमर. फिर से यहां पर लैटिन वर्ड एक होता है लेवस. इसका मतलब है लेफ्ट. ठीक है लिखिएगा. द ऑप्टिकल आइसोमर विच रोटेट्स द ऑप्टिकल आइसोमर विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट. In the bracket you can write anti-clockwise is known as levorotatory isomer. और इसको represent कैसे करेंगे हम लोग? Small l करके लिखते हैं l form या फिर इसको minus sign करके ऐसे represent. Any difficulty? No, sir. अभी जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ बिकॉज थर्ड वाला उसी पर है. इफ आई आस्क यू कि एक मान लीजिए कि एक डी फॉर्म है किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का और लेट अस से ऑप्टिकल रोटेशन लेट अस से प्लस 30 डिग्री. ठीक है 30 डिग्री आपने ऑप्टिकल रोटेशन मान लिया और एक मान लीजिए उसी कंपाउंड उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एल फॉर्म है. ठीक है एल फॉर्म उसका ऑप्टिकल रोटेशन मान लेते हैं माइनस थर्टी. ठीक है अब मान लीजिए कि इन दोनों का एक मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं. 50% डेक्स्ट्रो लेते हैं और 50% लेवो लेते हैं और अगर मैं इससे अब एक पीपीएल पास करूं प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो बताइए प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन क्लॉकवाइज दिखाऊं एंटी क्लॉकवाइज दिखाऊं और कितना दिखाऊं? बोले बेटा एनीबडी सेम रहेगा सर. नो रोटेशन आएगा सेम रहेगा सर. आपको यहाँ बोलना है नो
ऑप्टिकल रोटेशन। क्या समझ में आया ये चीज? जिन लोग चुपचाप बैठे हुए हैं उनको क्यों मैं नो ऑप्टिकल रोटेशन लिख रहा हूँ? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये जो आपने मिक्सचर तैयार किया ना, इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन करा करके, एक्सटर्नल कंपनसेशन करा करके तुमने जो है ऑप्टिकल रोटेशन को जीरो करवा दिया। इसको कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। क्या नाम देते हैं? बड़ा पॉपुलर है ये पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, रेसेमिक मिक्सचर इसको बोलते हैं। तो इसको आप कॉपी कर लो और ये बड़ा सिंपल है, मतलब इसमें आप ये लिख सकते हैं an equimolar mixture of dextro and levoforms, ऐसा करके लिख सकते हैं, equimolar mixture of D and L, या शॉर्ट में आप लिखो 50-50 बस, that is racemic mixture। एंड इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है? जीरो। और कैसे वो होता है? एक्सटर्नल कंपनसेशन, यानी तुमने एक्सटर्नली मिक्स करके दो ऑप्टिकल रोटेशन को न्यूट्रलाइज कर दिया। सर वो क्या लिखा है एक्सटर्नल के बाद? एक्सटर्नल कंपनसेशन। शुड आई रिमूव दिस? इतना जीरो ऑप्टिकल रोटेशन और रेसिमिक मिक्सचर, और इसको बोलते हैं इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स। व्हाट डू वी से? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स। सिंपल वे में 50% डी 50% एल, मतलब रेसिमिक। इज इट क्लियर? शुड आई रिमूव दिस? यस सर। यस सर। यहीं पर एक आता है, किसी बच्चे ने बोला था ना कि क्या इनएक्टिव वाला भी कुछ ऐसा हो सकता है आइसोमर में, तो उसको बोलते हैं मेसोफॉर्म। मतलब ये किसी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला ही है, लेकिन ये खुद ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो इसको हम लोग अभी नहीं स्टडी कर पाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब अभी के लिए, तो इसको केवल इतना लिख लेना है कि ऑप्टिकल रोटेशन जीरो। जैसे तुम मिक्सचर तैयार करते हो ऑप्टिकल रोटेशन जीरो के लिए, इसके लिए हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनली वो कंपनसेट हो जाता है, जिस तरह से बाहर से डी और एल को मिक्स करते हैं, इसके अंदर कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि आधा हिस्सा डेक्स्ट्रो रोटेट कराता है तो आधा लेवो। टोटालिटी में हमको कितना मिल जाता है? जीरो। बट वो अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकता मैं, थोड़ा आप विजुलाइज कर पाओ तो अच्छी बात है, बाकी इतना लिख लो दैट इज सफिशियंट। इसके बारे में और बताऊंगा फ्यूचर।
डन, सब भी कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। अब ये हो गया आपके डिफरेंट फॉर्म्स जो है। अब जैसे एक अभी प्रीवियस बैच पे लेक्चर ले रहा था मैं, तो बोला उसने कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, कोई डेक्स्ट्रो है कि नहीं है, लेवो है कि नहीं है। तो उसका आंसर है एक्सपेरिमेंट। ये जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे थे ना, ये वाले इस वाले पेज में, ये सब काम होता है एक एपरेटस जिसका नाम है पोलैरिमीटर। तो उसमें कुछ नहीं तुम्हें करना है, खाली सब्सटेंस डाल देना है और पीपीएल वगैरह अंदर पास होगी, उसके बाद तुम्हें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए लैब में हम लोग ब्लड दे के आते हैं तो टेस्ट हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंटल वे हो गया। हम थोड़ी ना ब्लड चेक करके बता पाते हैं, हम तो देकर, उसी तरह पोलैरिमीटर है। तो आप चाहिए तो एक नोट पोलैरिमीटर के लिए लिख लो, लिखिएगा एपरेटस which measures apparatus which measures the extent of rotation of the polarized light, plane polarized light is called polarimeter. गाइस, बट देयर मस्ट बी सम थ्योरेटिकल वे। ये तो एक्सपेरिमेंटल हो गया, तो हम लोग अब एक एक्सपेरिमेंटल वाली चीज को थ्योरेटिकली कुछ मैच कराने का ट्राई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं, काइरल। चिराल नहीं है, काइरल बोल रहा हूं मैं इसको, काइरल। और यहीं पर आता है काइरैलिटी। काइरैलिटी, ये काइरैलिटी, काइरल, ये सब क्या है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है, तो मैं यहां भी लिख देता हूं, द टर्म काइरल इज डिराइव्ड from Greek word it means hand. तो chirality actually में property है handedness जिसको बोलते हैं। ये हैंडेडनेस प्रॉपर्टी क्या है? बहुत सिंपल है। अपने लेफ्ट हैंड को लो, लेफ्ट हैंड को लो और पेपर पे पेन के थ्रू ड्रॉ करो, तो कैसा नजर आएगा? मतलब थंब आएगा, फिंगर। देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो तुम लोग अपना मैनेज कर लेना, आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना। आई एम नॉट वेरी गुड ड्राइंग के मामले में, I am not very good तारा जमीन पे। ये कुछ मान लो कि लेफ्ट हैंड है, ठीक। इसी तरह तुम राइट हैंड को ड्रॉ कर लो, हाथ पेपर पे रख लो और फिर इसी तरह से ड्रॉ कर लो। कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मेरी ड्राइंग, अगर मैं बीच में एक इमेजिनरी मिरर रख दूं,
तो मैं ये तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ ना कि द टू आर मिरर इमेजेस, यस और नो बोलो. यस सर. यस सर. यस सर. द टू आर मिरर इमेजेस. लेकिन इनके खास बात है, अगर तुम इस हाथ को, अगर तुम इस हाथ को उठा करके इसके ऊपर रखो, ध्यान से देखना, अगर तुम इस हाथ को यानी इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो कैसा आएगा. हाँ, ये इधर ऐसा है, ये ऐसा है. यार मेरे से ड्रॉ नहीं होता है भाई, बहुत मुश्किल से कर रहा हूं मैं. ये और इसके ऊपर तुम दूसरा वाला रखोगे तो बेसिकली थंब इधर आएगा ना उसका. क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो सिचुएशन? यस सर. तो इसको हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल. नॉन सुपर इम्पोजेबल उसका मीनिंग होता है ऑल पार्ट्स आर नॉट कोइंसाइडिंग विद ईच अदर. सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब होता? ऑल पार्ट्स आर कोइंसाइडिंग, बट हियर ऑल पार्ट्स आर नॉट कोइंसाइडिंग विद ईच अदर. इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ हैंडेडनेस. कि आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये मेरे लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ग्लव्स है, तो ग्लव एक लेफ्ट वाला आपने उठाया और उसका मिरर इमेज बनाओगे तो बिल्कुल वो राइट हैंड वाला जो ग्लव्स है वो सब मिलेगा तुम्हें. फिर उनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये यही वाली हालात में आएगा. तो वो ऑब्जेक्ट मेरे लिए कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? काइरल. समझ में आया? तो व्हाट इज काइरल ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हुज मिरर इमेज इमेजेस नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑन इट. व्हाट ऑब्जेक्ट इज काइरल ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हुज मिरर इमेज इज नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑन इट. इज इट क्लियर? यस सर. अब फटाफट तुम लोग इसको कॉपी कर लो. जिस भी पार्ट में कंफ्यूजन है, कुछ लिखना चाहते हो नहीं लिख पा रहे तो मुझे बताओ, वो वाला पार्ट में आपको बता दो. सर वो क्या है? नॉन सुपर, नॉन सुपर इम्पोजिबल. सर yes. मतलब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स नॉन चिरल ऑब्जेक्ट्स है ना?
ज्यादा ज्यादा नहीं सोच लेना है, मतलब अपनी मर्जी से कुछ ऐड नहीं कर देना है। जो इसमें सामने लिखा है उन वर्ड्स में तुम्हें कोई डिफिकल्टी है तो बोलो। तुम्हें नॉन सुपर इम्पोजिबल का मीनिंग नहीं मालूम हो तो बताओ, काइरल ऑब्जेक्ट जो डिफाइन किया फाइनली वो बताओ। अपनी मर्जी से कुछ ऐड मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके सर। सबने जो सर सामने लिखा है कॉपी कर लिया है, ये लिख देना सर अच्छे ढंग से। नॉन हाँ सर, नॉन सुपर इम्पोसिबल मतलब कोइंसिडेंट नहीं करता है। नॉन सुपर इम्पोसिबल का मीनिंग लिख देना, ऑल पार्ट्स आर नॉट कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, ये सामने ड्रॉ भी कर दिया है मैंने। और काइरल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? काइरल ऑब्जेक्ट का मतलब है हुज मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट। काइरल ऑब्जेक्ट भी लिख लिया सबने, क्या होता है? चलिए अब एक छोटा सा नोट यहां लिखिएगा, इट हैज बीन फाउंड दैट, इट हैज बीन फाउंड दैट इट हैज बीन फाउंड दैट A molecule which is chiral, a molecule which is chiral is optically active. ये देखो, अब तुम जो है ना experimental चीज को theory से relate कर पा रहे हो, यानी कि molecule draw किया paper पे, अगर वो उसका mirror image उस पर non superimpose कर गया तो आप मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव बोल दोगे। समझ में आया? यस सर। इसीलिए ये सारी चीजें बताई गई, लेकिन इतना आसान सब कुछ नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर इस हाथ को जैसे मैं एक आपको ये दिखाता हूं, ये क्या है? चाय का कप। बोलो, कप है, बिल्कुल सही। इसका मिरर इमेज बनाओ, क्या ये मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगा? नो सर, नहीं, ये अपनी मिस्टेक है। उसमें ऐसा बोला जाता है बिकॉज ये समझ लो कि मान लो कि तुम कप को वॉल की तरफ हाथ से पकड़ कर रखो। एम आई ऑडिबल? मेरा इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, एम आई ऑडिबल? यस सर। आई एम सेइंग कि आप विजुलाइज करो सिचुएशन जो मैं बोल रहा हूँ, कप को हाथ में पकड़ो, वॉल की तरफ रखो और एक तरफ से लाइट प्रोजेक्ट करो, तो तुम्हें वॉल पे ऐसी इमेज नजर आएगी। एम आई करेक्ट? यस सर, यस सर। अब हाँ, अब अगर तुम्हारी जो कप है वो जो है पूरी की पूरी तुम्हें कप दिखाई देगी, अगर तुम कप को लाइट डालते डालते ऐसे घुमाओ तो पूरा दिखाई देगा, लेकिन अगर तुमने आउट ऑफ द प्लेन उसको घुमा दिया, आउट ऑफ द प्लेन ऐसे समझो कि हाथ को तुमने उठा लिया, क्या विजुलाइज कर पा रहे? इस हाथ को ऐसे घुमाना, 180 घुमा दो, जितना भी चाहिए घुमा दो, उठा नहीं सकते। उठाने का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन। सो व्हेन यू चेक वेदर ऑब्जेक्ट इज
सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल, यू आर अलाउड टू रोटेट विद इन द प्लेन, यू कैनॉट मूव ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द प्लेन. क्या मेरे वर्ड समझ में आए सबको? यस सर. आउट ऑफ द प्लेन मैंने तुम्हें यहां से समझाया, आउट ऑफ द प्लेन का क्या मीनिंग है कि तुम अपने हाथ को पलट रहे हो, दैट इज आउट ऑफ द प्लेन. लेकिन अगर मैं हाथ को ऐसे घुमाता हूं, यानी ये रिस्ट वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, पाम वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, दैट इज विद इन द प्लेन, तो तब भी सुपर इम्पोज नहीं करेगा. लेकिन अगर तुम आउट ऑफ द प्लेन जाकर के इसको हाथ दोनों हाथों को अपने हाथ में जोड़ लो, तो वो फिर सुपर इम्पोज कर जाएगा. उसको सुपर इम्पोजिशन नहीं माना जाता. सुपर इम्पोज कराने के लिए खाली तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर रख सकते हो दूसरे ऑब्जेक्ट के, मिरर इमेज के, या फिर घुमा के रख सकते हो. क्या तुम इसमें सोच पा रहे हो कि घुमाने के बाद ये सुपर इम्पोज कर जाएगा? यस सर. यस सर. यस, क्योंकि घुमाते ही ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला नीचे, लेफ्ट वाला राइट आ जाएगा और एग्जैक्टली यही बन जाएगा. तो बिलीव मी, वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएंगे. यानी ये मेरे लिए अकाइरल ऑब्जेक्ट है. आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने किसको अकाइरल ऑब्जेक्ट बोला और क्यों बोला. तो ये चीज आप लिख देना. क्या लिखोगे? वाइल चेकिंग वेदर मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजिबल और नॉट, मिरर इमेज कैन बी रोटेटेड विद इन द प्लेन बाय एनी एंगल. ऐसा करके आप लिख सकते, but not out of the plane. Sir, within the plane, mirror image can be rotated to check whether that is superimposable or not. But mirror image cannot be rotated out of the plane. क्योंकि अगर out of the plane करोगे ना तो mirror image गायब हो जाएगी. कोशिश करके देख लो, कब जब पीछे से light डालोगे और तुम ऐसा इसको घुमा दो तो कब का handle गायब हो सकता है, कुछ ना कुछ तो गायब हो जाएगा. बोलो सर, वो घुमाना कैसे? इन द प्लेन ऐसे ऐसे घुमाओ, रोटेट करो प्लेन के अंदर, ऐसे घुमाओ. मतलब लेफ्ट टू राइट घुमाना है या ऊपर? अरे भाई, ये जब घुमाओगे तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, और ये राइट वाला लेफ्ट, हो गया खत्म. तो हाथ को जो घुमाने को बोल रहा हूं ना, ये तुम्हारा हाथ है, इसको घुमाने का मतलब होता है प्लेन में कि ये रिस्ट ऊपर चली गई और ये नीचे आ गया. आउट ऑफ द प्लेन का मतलब होता है कि तुम्हारा जो एक प्लेन है वो घूम करके दूसरे प्लेन उसमें आ गया है, वो उसको आउट ऑफ द प्लेन कहते हैं. मतलब लेफ्ट कोई इसको समझा सकता है? मैं शायद नहीं बता पा रहा हूँ. कोई इसको समझा सकता है? अरे तुम लेफ्ट टू राइट घुमा है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट से मतलब नहीं है, विद इन द प्लेन. क्या तुम ये समझ पा रहे हो? विद इन द प्लेन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या वो वर्ड तुमको समझ में आ रहा है? विद इन द प्लेन, वो समझ रहे. फिर तुमको क्या नहीं समझ रहा? तुम लेफ्ट घुमा राइट घुमा, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर वो हाथ को तो लेफ्ट घुमाएंगे और कोइंसिडेंट हो जाएगा ना वो. कहा? वही तो तुमको समझा रहे तुम. अच्छा, तो तुम लेफ्ट राइट वो तो नहीं समझ रहे हो कि इस अंगूठे को उठा के पलट देना. अरे भाई, वो आउट ऑफ द प्लेन हो गया, उसको ऐसा नहीं घुमाना है. ये चिपका होना चाहिए तुम्हारा, ये चिपका होना चाहिए. खाली ये घूम रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, और तुम आउट ऑफ द प्लेन सोच रहे हो, वही नहीं करना है. कोई समझा पाएगा इस बच्चे को? बेटा कोई है जो बता पाए इसको, जो मैं बोलना चाहता हूँ? किसी और को समझ में आया ना? क्योंकि जो चीजें किसी को समझ में नहीं आएंगी फिर मैं वो चीजें स्किप कर दूंगा. ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है, उसको मैं रटवा दूंगा कि आप ये चीज रट लो. क्या बाकियों को समझ में आई? वरना इतनी मेहनत नहीं करूंगा मैं समझाने में. मैं बोल दूंगा ये पार्ट रट लो, कैसे भी केमिस्ट्री है. इतनी मेहनत फालतू में मैं क्यों करूंगा? अगर मान लो ज्यादातर बच्चों को समझ में ही नहीं आ रही ये चीजें, तो मैं वो पार्ट रटवा दूंगा आपको, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा. मैं तो बोलूंगा रट लो, क्योंकि वो तो
सीधे सीधे आएगा सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं है, तो रट लिया काम खत्म। तो क्या मैं रटवाने वाली स्टाइल में आऊं या यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स? अगर समझ में आ रही हो तो एक्सप्लेन करूंगा, वरना रटवा दूंगा मैं। सर एक्सप्लेनेशन। यस सर। तो फिर जब मैं बोल रहा हूँ बेटा, कोई उसको एक्सप्लेन कर सकता है क्या? तो किसी ने तो बोले ही नहीं भाई। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, इसका मतलब वो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तभी तो आपने, मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आया, तुमने आंसर नहीं किया, तो यही माना जाएगा ना तुम्हें नहीं आता है। ये थोड़ी ना माना जाएगा कि हाँ तुम्हारा मन नहीं किया इसलिए ठीक नहीं किया तुमने आंसर। कोई उस बच्चे को एक्सप्लेन कर पाएगा? Somebody saying your voice is not coming. Because your voice is not coming, तो मैं चुप हो गया। आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा, नहीं बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। सर बोले। सर मैंने इतना ही डाउट था कि वो हम लोग ऐसा क्यों नहीं घुमा सकते कि ये जो थम है वो ये साइड आ जाए, तो वो कौन साइड हो जाएगा, क्योंकि वो भी विद इन द प्लेन हो गया ना वैसे। अरे वही तो मैं समझा रहा हूँ, तुम अपने हाथ को दीवार की तरफ रखो और यहाँ से लाइट प्रोजेक्ट करो। बताओ कब तक तुम्हारा हाथ की सारी फिंगर्स वॉल पे दिखाई दे रहते रहेंगे? जब तुम अपने हाथ को इस तरह से मूव कराओगे या आउट ऑफ द प्लेन जाते ही तुम्हारी फिंगर्स गायब हो जाएंगी वॉल में से। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो सिचुएशन? अनफॉर्चुनेटली लाइव लेक्चर है नहीं, इसलिए मैं उस तरह से बता नहीं पा रहा हूँ कि हाथ किस तरह से रखा जाए, लाइट को प्रोजेक्ट पीछे से किया जाए कि पांचों फिंगर्स तुम्हारी वॉल पे इमेज बन के नजर आएंगे। अगर तुमने अपने हाथ को ऐसे घुमा लिया कि लाइट जो है पूरे पांचों फिंगर्स पे नहीं पड़ रही है, तो इमेज भी तुमको पांचों दिखाई नहीं देंगे। उसको कहते हैं आउट ऑफ द प्लेन जाना। ठीक है, मेरी एडवाइस है तुम इसको रट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कौन सा ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोसिबल है कौन सा नहीं है। ली बेटा, इसमें केवल आप इतना लिख लो सारे बच्चे, काइरल ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट लिख लो, कोई टेंशन नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। लिखो हैंड, फुट, ग्लव्स, इसके अलावा शूज लिख सकते हो, ईयर लिख सकते हो, ये सब आपके आएंगे किस कैटेगरी में? काइरल ऑब्जेक्ट। और एक काइरल वाले में आप लिख सकते हो स्फीयर लिख लो, है ना, बाकी टू डायमेंशनल तो कोई वही नहीं है। स्पून आप लिख सकते हो, है ना, इसके अलावा टेबल, सिंपल जो टेबल होती है, टी कप मैंने अभी एग्जांपल लिया था, ये सब आप लिख लो, है ना। और रोटेशन रोटेशन के चक्कर में आप मत पढ़ो, वो मैं अभी देख लू, उसको कुछ याद करवा दूंगा, इसको कॉपी करो। सर सीबीआर के बाद क्या लिखा है आपने? इसके बाद बेटा स्फीयर के बाद, स्फीयर के बाद स्पून, स्पून तो बहुत सिंपल है, आप इसका मिरर इमेज बना लो और देख लो। शुड आई रिमूव दिस? यस सर।
इसमें एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, यहां पर मैं लिख देता हूं COH, यहां लिख देता हूं OH, H लिख देता हूं, यहां OH लिख देता हूं और यहां पर CH3। ये एक कंपाउंड है, ये तो लैक्टिक एसिड है, इसका आप मिरर इमेज बनाइए, इसका मिरर इमेज जरा सब लोग बनाइए और बताओ मेरे को क्या वो सुपर इम्पोजिबल उसको बोल सकते हैं, कैन आई से मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल? और जिनको समझ में आया था वो रोटेशन वाला भी फंडा यूज करके देखें, आप विद इन द प्लेन रोटेशन। सबने ड्रॉ किया? यस यस सर। इसका मिरर इमेज देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये OH इधर आएगा, इधर H आ जाएगा, इधर COH। अच्छा एक पॉइंट ये बात आप माइंड में रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए COH बोले इधर लंबा है इधर तो इधर आ जाएगा, वो नहीं। हर एक ग्रुप को एक पॉइंट मान के काम करते हैं, खाली एक पॉइंट मान के, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप इसको कुछ बड़ा सा है लंबा ग्रुप मान लें, दिस इज जस्ट अ पॉइंट। तो खाली ये देखना होता है सेम है क्या, सेम है तो सुपर इम्पोज करेगा नहीं तो नहीं करेगा। ये मिरर इमेज है, अगर मैं इस मिरर इमेज को एग्जैक्टली उठाकर रखूं तो क्या सुपर इम्पोज करेगा? नो सर। नो सर। नो नहीं करेगा। अब मैं अगर इसको घुमाऊं किसी एंगल के थ्रू, तो भाई एंगल के थ्रू घुमाने का मतलब है तुम 180 घुमा दो प्लेन में ही ऐसे, तो मेरा CH3 ऊपर हो जाएगा, COH नीचे हो जाएगा, OH इधर आ जाएगा, H। तो आप देखोगे ये हिस्सा तो सुपर इम्पोज कर रहा है, क्या ये वर्टिकल वाला पार्ट भी सुपर इम्पोज करेगा? नो सर। नो सर। अरे भाई H और OH हो गए ना एक जैसे, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन क्या वर्टिकल वाला हिस्सा सुपर इम्पोज कर रहा है? नो सर। नो सर। नो। तो अगर वर्टिकल सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है तो हम इसको नॉन सुपर इम्पोजिबल मानेंगे, यानी पहले भी नहीं कर रहा था, रोटेशन के बाद भी नहीं कर रहा है, तो मैं इसको टोटल में क्या मान लूंगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। तो ये जो लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसके नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ? ऑप्टिकली एक्टिव। इज इट क्लियर कैसे लिखा? यस सर। चलिए ये काइरल कंपाउंड बोलते हैं क्या? हाँ काइरल कंपाउंड भी बोलते हैं, काइरल कंपाउंड बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे, जो आप इसको बोलना चाहो, जो भी काइरलिटी से रिलेटेड है वो आप बोल सकते हो। यस सर। शुड आई रिमूव दिस? यस सर। आप सब लिखते रहना अच्छे ढंग से। Somebody saying something? मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, अब आप मेरे को आंसर देना।
अब इसका मिरर इमेज बनाओ और देखो सुपर इम्पोज करता है क्या। क्या सुपर इम्पोज किया या नॉन सुपर इम्पोजिबल है? सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल है, बिल्कुल सही। इसका आप मिरर इमेज जब बनाओगे तो डायरेक्ट जब उठाकर रखोगे इसके ऊपर तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, लेकिन अगर घुमाकर रखोगे तो वो सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो उसमें यही कहा जाता है कि डायरेक्ट हो या घुमाकर हो, लेकिन सुपर इम्पोज अगर कर गया विद इन द प्लेन घुमाने पे तो आप उसको ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलते हो। आप ये भी लिख लो, इसको बताओ बेटा। बताइए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? क्विकली यू राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। अरे चैट बॉक्स में लिखने को बोला है, जिसको जो भी आ रहा हो वो फटाफट चैट बॉक्स में लिख दे। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। आप केवल इतना लिखो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, बस और ज्यादा मेरे को नहीं सोचना। ऑप्टिकली इनएक्टिव कि एक्टिव, बस इतना आप मेरे को बताओ। वेरी गुड,
सारे बच्चे सोच नहीं पा रहे हैं, मुझे एकदम आसान सा केस है बेटा। आप मिरर इमेज ड्रॉ करो और मिरर इमेज को देखो डायरेक्ट पहले, और नहीं तो घुमा दो 180 डिग्री और पता करो कि वो क्या कब रोटेट कर रहा है। किसी और एंगल पे तो वैसे भी नहीं करेगा वो सुपर इम्पोज, वो 180 पर ही आप चेक कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। बहुत सारे बच्चों ने वैसे आंसर लिखा। इसका सबसे पहले तो मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CHO, यहाँ CHO। अगर आप डायरेक्ट रखोगे तो नहीं होगा, तो अगर मैं इसको घुमा दूं 180 डिग्री देन इट विल बी सुपर इम्पोजिबल। तो इसीलिए मेरे लिए ये क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ बिल्कुल सही, जिन्हें नहीं आया वो लिख लें ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। देखो इफ यू रिकॉल हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में आज लिखा था उसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके। पहले पेज में हमने ये लिखा था ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट, नाउ वी आर अवेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिविटी, वो भी अवेयर है। काइरल कार्बन, हमने भी काइरल मॉलिक्यूल लिखा है, काइरल कार्बन नहीं। अब आप हेडिंग डालिएगा व्हाट इज काइरल कार्बन, काइरल कार्बन लिखिएगा। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ काइरलिटी, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ काइरलिटी of organic molecule, of organic molecule is presence of chiral carbon atom. The most common cause of chirality of organic molecule, most common cause of chirality of organic molecule is presence of chiral carbon atom. सबने लिख लिया? Yes sir. फिर आगे लिखिएगा, a carbon atom which is connected, सर आवाज नहीं आ रही।
गाइस एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ तो हम लोग का कितना आपने लिख लिया था बेटा, मैं तो लगातार बोल ही रहा था। ये स्टेटमेंट लिख लिया था पूरा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कायरलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम। यस सर। नेक्स्ट सेंटेंस। ओके सो कायरल कार्बन हमारा लिख रहे थे, लेट मी कंप्लीट दिस। अ कार्बन एटम which is connected to four different groups or atoms। बड़ा सिंपल है, इसी को हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। कॉपी कर लो guys। कार्बन यहाँ पर मान लीजिए COH लगा देते हैं, यहाँ पर H लगा देते हैं, यहाँ CH3 लगा देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं CHO। तो देखकर बताइए क्या इसके अंदर काइरल कार्बन है? यस। सामने ही दिख रहा है, मैंने जानबूझ के ड्रॉ ही ऐसा किया हुआ है। तो ये काइरल कार्बन है बिकॉज फोर डिफरेंट ग्रुप्स है। ठीक है, ये कॉपी कर लो और मेरे को इसमें अब बताओ। Do we have any chiral carbon here? And if yes, how many? No, sir. एक भी काइरल कार्बन नहीं है सर। टू। वेरी गुड सर। टू। वेरी गुड। जीरो। जीरो। चलो देखो बहुत सिंपल, सबसे पहले तो इसको थोड़ा ओपन वे में ड्रॉ करो। ये पहला कार्बन है, इसके तीनों हाइड्रोजन एटम्स आप ऐसे ड्रॉ करो। क्या ये कार्बन काइरल हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसके तीन तुमने हाइड्रोजन ही लगा रखे हैं। अब इसको देखो, एक हाइड्रोजन है, एक OH है और इधर फिर एक दूसरा कार्बन है, उसमें H है, OH है और फिर ये कार्बन है, इसके तीन H। देखो ये वाला तो नहीं होगा, इसको तो हटा दिया, ये भी नहीं होगा। खाली इसको देखो, इस कार्बन में क्या तुमको चारों डायरेक्शन में अलग अलग ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं? देखो बेटा, अरे ये इधर एक मिथाइल ग्रुप है, इधर एक हाइड्रोजन है, एक OH है और एक ये बड़ा सा ग्रुप है। क्या तुमको ये काइरल कार्बन नजर नहीं आ रहा है? यस सर। अरे भाई डेफिनेशन भूल गए क्या? अभी तो लिखा है अ कार्बन एटम व्हिच इज कनेक्टेड टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स। फोर डिफरेंट ग्रुप्स तो दिख रहे हैं ना, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर H है, इधर OH है, इधर ये बड़ा सा ग्रुप है। क्या ये सब एक जैसे है? नहीं, इसका मतलब ये कार्बन क्या हो गया? काइरल। इज इट क्लियर? यस सर। क्या इसके अंदर कोई और भी काइरल कार्बन है?
Yes, sir. Yes, this one. Same manner you can explain. So this compound has got how many chiral carbon? उसको star mark करके लगाते हैं. तो हम लिखेंगे two chiral carbon atoms. Copy कर लो इसको. और याद रखना बेटा, कभी भी कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जैसा कुछ अगर दिया हो, मान लो जैसे ये दिया है, ऐसा करके लिख दिया है, तो ये इसमें कोई काइरल कार्बन नहीं होगा कोई डबल बॉन्ड वाला, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब ही हो गया कि वो एक ही उससे दो बार जुड़ गया ग्रुप से या एटम से. गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ काइरलिटी आएगी नहीं. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल लर्न, जैसे हम लोगों ने पहले सोहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़े थे ना हम लोगों ने, उसमें क्या बोलते हैं कन्फॉर्मर्स में, उसी तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बेसिकली वी हैव टू स्टडी फिशर प्रोजेक्शन, बिकॉज थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल है. आप किस टाइप से उसका मिरर इमेज लोगे, कैसे सुपर इम्पोज कराओगे, उसके लिए देर मस्ट बी अ टू डायमेंशनल वे रिप्रेजेंटेशन का, तो उसको फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं. तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो मैंने तुम्हें ड्रॉ करके दिए थे ना, ये एक्चुअली सब डिस्कनेक्ट हो गया था तो फाइल ही गायब है. जो मैंने अभी ड्रॉ किए थे ये वाले डायग्राम्स ना, वो फिशर प्रोजेक्शन ही है. तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू द रूल्स टू ड्रॉ दोस फिशर प्रोजेक्शंस. फिर मिरर इमेज वगैरह ड्रॉ करना तो आपने आज से लर्न कर लिया है. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट इसको रिवाइज कर लेना, जो भी डाउट उसको हाईलाइट कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में पूछ लेना. ठीक है? यस सर. ओके.